हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.4 का सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट डोज का जो लिंक रहेगा वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर सिलेंडर ए दिया है हमको, जिसकी जो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर है और हाइट जो वो 14 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। और जो हमारा बी सिलेंडर है इसका डायमीटर ज़्यादा है, 14 है, और हाइट कम कर दिया है, 7 सेंटीमीटर कर दिया है। तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। यानी कि आपको ये पूछा जा रहा है कि आप कैलकुलेट मत करो और पहले ये गेस करो कि कौन सा जो सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बता रखा है पहले, ठीक है। उसके बाद आगे भी ये बोला जा रहा है कि वेरीफाई इट बाई फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। यानी कि आप पहले तो ये सजेस्ट करो कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई कैसे करना है, दोनों का वॉल्यूम निकाल कर वेरीफाई करना है। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा निकलेगा फिर आप अपना आंसर मैच करना कि आपका जो आंसर वो सही आया कि नहीं, जो आपने सजेस्ट किया था वो सही सजेस्ट किया था कि नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में एक और चीज़ बोल रहा है कि चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सर्फेस एरिया। और ये भी चेक कीजिए कि क्या जो सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सर्फेस एरिया भी ज़्यादा है क्या। तो ये भी हमको कैसे पता करेंगे, ये हम लोग सर्फेस एरिया निकाल करके पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर्फेस एरिया वाला आपने कहाँ पर सीखा है, पिछले वाला जो एक्सरसाइज था ना 11.3, वहाँ हमने डिटेल में सर्फेस एरिया बोल है ना, क्या बोलते हैं, सिलेंडर का, क्यूब का, क्यूबाइट का, सभी का सर्फेस एरिया पढ़ा था। इस वाले अभी एक्सरसाइज जो हमारे स्टार्ट हुआ है इसमें हम बेसिक वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला आपने प्रीवियस वाले एक्सरसाइज में सीख लिया है। तो देखो, सबसे पहला चीज़ तो ये समझो यहाँ पर कि जब कभी भी आपको दोनों सेम टाइप से लगे, यानी कि हाइट एक का जितना हाइट हो दूसरे का उतनी रेडियस है, इसका जितना क्या डायमीटर है उतना ही इसका हमारे पास हाइट है, तो इसमें होता क्या है ना कि जिसका रेडियस ज़्यादा होता है हमेशा उसमें ही क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आप इसको अपने डेली लाइफ में आजमा कर भी देख सकते हो। जैसे कि आप एक बॉल ले लेना, प्याला ले लेना और एक गिलास ले लेना, आपको लगेगा कि गिलास में ज़्यादा पानी आने वाला है क्योंकि गिलास आपको लंबा से दिखेगा, लेकिन जो प्याला होता है ना, क्योंकि उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए उसमें पानी बहुत ज़्यादा आता है। आप लोग कई बार अपने माँ बाप से सुने भी होंगे बोलते हुए कि इस घड़े में बहुत ज़्यादा पानी आता है, या फिर ये जो क्या बोलते हैं डेगची है ना, डेगची जिसमें खाना वाना बनता है उसमें बहुत ज़्यादा पानी है, इसमें कितना डालते जाओ ये कम खत्म ही नहीं होता, इस टाइप से बोलते हुए आप जरूर सुने होंगे। तो जिसका सरफेस एरिया बोले तो रेडियस है ना, नीचे वाला जो हमारा इलाका है जिससे देखो यहाँ से यहाँ तक, और डायमीटर बोलते हैं उसी को आधा कर देते हैं तो रेडियस हो जाता है। और हमको जो फॉर्मूला में जरूरत पड़ता है वो रेडियस का ही पड़ता है, इसलिए मैं बार बार रेडियस बोल रहा हूँ आपको। तो देखो, जिसका रेडियस ज़्यादा रहेगा ना, अगर हाइट और डायमीटर अगर सेम है दोनों का, ठीक है, आगे पीछे करके बस नंबर को बदल दिया गया है, तो जिस वाले का रेडियस ज़्यादा होगा उसी में क्या होगा, ज़्यादा पानी आएगा। यानी कि पानी ज़्यादा आने का मतलब है कि उसके अंदर का जो स्पेस है वो ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर जो हमें बी सिलेंडर दिया हुआ है ना, जाहिर सी बात है इसका चूंकि डायमीटर ज़्यादा है तो रेडियस भी ज़्यादा होगा इससे, तो रेडियस ज़्यादा है इसलिए इसमें क्या होगा, इसका वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व भी करके चेक कर लेते हैं कि हमारा बी वाले का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है या ए वाले का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर, चूंकि हमसे पूछा गया था कि आप गैस कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो इस तरीके से आप गैस करके वहाँ पर आंसर लिख दोगे कि इफ़ मेजर ऑफ द रेडियस एंड हाइट आर सेम, अगर रेडियस और हाइट का जो मेजरमेंट है वो सेम है, तो देन द सिलेंडर विद द ग्रेटेस्ट रेडियर है ना, यानी कि जो ग्रेटर रेडियर है, रेडियर बोल रहा हूँ, रेडियस है जिसका, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले ही, तो वॉल्यूम यहाँ पर हमारा किसका ज़्यादा हो जाएगा, इससे मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बी वाला दिया हुआ है सिलेंडर उसका रेडियस ज़्यादा है इसलिए उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर। इस तरीके से छोटा सी स्टेटमेंट अपने लैंग्वेज में आप बना करके वहाँ पर लिख देना, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज बना, जरूरी नहीं जो मैं लिख रहा वही लिखो, आप अपने से बना सकते हो। अब क्या करना है, हम यहाँ पर हमको ये वेरीफाई भी तो करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर ए का वहाँ पर एरिया निकालेंगे, यहाँ पर आप सॉरी एरिया बोल रहा हूँ, वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है। तो सिलेंडर ए का वॉल्यूम का फॉर्मूला, किसी भी अगर हमारे पास सिलेंडर दिया हुआ है तो किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आर का मतलब क्या होता है, रेडियस होता है, एच का मतलब होता है हाइट, ठीक है। और पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होता है, तो यहाँ पर हम लोग सभी को पुट कर देंगे, पाई की जगह में आप लिख दो 22/7,
ठीक है। रेडियस देखो अभी हमको पता नहीं है, हमको क्या दिया होता है यहाँ पर, डायमीटर दिया होता ना, डायमीटर का जस्ट आधा ही रेडियस होता है, तो डायमीटर कितना दिया होता है हमको, 7 दिया हुआ था, तो 7 का आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई की साइन लगाओ और रेडियस की जगह में 7/2 कर दो। 7/2 क्यों कर रहे, क्योंकि हम जानते हैं 7 डायमीटर है, तो उसको 2 से डिवाइड देंगे तो हमको उसका रेडियस पता चल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर शुरू में लिख भी सकते हो कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हमारा जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर की भी साइन लगा लो और मल्टीप्लाई में इसका हाइट कर दो, तो हाइट कितना दिया होता हमको, 14 सेंटीमीटर दिया होता। और यहाँ पर देखो ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर होगा और सेंटीमीटर के देखो स्क्वायर, ये चीज ध्यान रखना ना कि जब हम लोग एरिया निकालते हैं तब हमारा केवल सेंटीमीटर के स्क्वायर में आता है आंसर, लेकिन यहाँ देखो रेडियस का स्क्वायर है, यानी कि क्या हो रहा है, रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस हो रहा है, देखो रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस हो रहा है और मल्टीप्लाई हाइट हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो तीनों सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। अब ये ध्यान रखना, अब वॉल्यूम में ना हम लोग क्यूब लिखने वाले हैं, तो क्यों आगा मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लास्ट में भी सेंटीमीटर का क्यूब लगा दो इस तरीके से। तो अब इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई में 7/2, फिर मल्टीप्लाई में 7/2 चूंकि स्क्वायर है और मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा 14। 7 से 7 कट करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और कुछ कट हो रहा है क्या, हाँ 2 1 जा 2, 2 11 जा हो जाएगा हमारा 22, और यहाँ पर सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये हमारा कितना गया यहाँ से आंसर, 7 7 जा 49 होता है, तो 11 मल्टीप्लाई 49 कर दो तो ये कितना हो जाएगा हमारा 490, और उसमें हम लोग 49 और प्लस कर देंगे, 10 टाइम टेबल पढ़ रहा हूँ मैं तो 490 आ जाएगा, और 1 टाइम और पढ़ूंगा तो 49 और आ जाएगा, तो हो गया 9 13 का 3 कैरी हो गया 1 4 और 1 5, यानी कि हमारा कितना निकल गया, 539 सेंटीमीटर का क्यूब निकल गया पहले वाले का वॉल्यूम, ठीक है। ये समझ में आया ना, मैंने अपने माइंड पे मल्टीप्लाई किया है इसको। उसके बाद चलो जो दूसरा वाला है हमारा, यानी कि सिलेंडर नंबर बी है, उसका भी निकाल लेते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पर बस मैं सिलेंडर बी लिख देता हूँ, पूरा लिख लेना स्टेटमेंट। तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम का भी फॉर्मूला सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर एस, स्टार्टिंग में आप फॉर्मूला जरूर लिखो ताकि आपको याद हो जाए। तो पाई का जो वैल्यू है 22/7, यहाँ पर आर का वैल्यू कितना हमारे पास, देखो 14 सेंटीमीटर हमारे पास क्या दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था, तो 14 का आधा कितना होता है, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर आप 14/2 भी लिख सकते हो, अदरवाइज 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आर की जगह में, तो मैं डायरेक्ट 7 लिख देता हूँ, काम आसान हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर लिखने से अच्छा मैं 7 मल्टीप्लाई 7 कर देता हूँ, और हाइट हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 7 ही दिया हुआ है हाइट हमारा जो बी वाले का है। देखो यहाँ पर ये हमारा डायमीटर दिया होता 14, तो इसका जो रेडियस निकल जाएगा वो हमारा 7 निकल जाएगा, और हाइट भी हमको क्या है, 7 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 7 कर दो, और तीनों सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, 1 7 से दूसरा 7 हमारा कट हुआ, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, कुछ नहीं बच रहा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 मल्टीप्लाई कर दो आप 7 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 49। चलो साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर तो काम आएगा नहीं ट्रिक, तो 22 मल्टीप्लाई 49, 9 2 जो 18 का 8 कैरी हो गया 1, 9 2 जो 18 और 1 हो जाएगा 19, फिर से उतना ही आ जाएगा हमारा 9 सॉरी 8 9 और 1, ये हो गया 8 9 और 8 17 का 7 कैरी हो गया 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 कैरी हो गया 1, और 1 और 1 ये हमारा 2 निकल गया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही निकल गया, रुक दो तो मैं कुछ चेक कर लेता हूँ क्यों ज़्यादा निकल गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने 9 का मल्टीप्लाई ही 2 बार कर दिया है, गलत हो गया, ये लास्ट वाला हमारा 4 2 जो हो जाएगा यहाँ पर 8, उसके बाद 4 2 जो फिर से हो गया 8, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये तो 8 हो जाएगा, 9 और 8 17 का 7 हो जाएगा हमारा, ठीक है। कैरी हो गया हमारे पास कहाँ पर गया, ये रहा 1, ठीक है। तो ये 1 और 1 2 और 8 हो जाएगा हमारा कितना, 10, तो ये हमारा कितना निकल गया यहाँ सर से, 1078 सेंटीमीटर का क्यूब, ये इसका वॉल्यूम निकल गया। तो जिससे हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जो हमारा सिलेंडर बी है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो देखो यहाँ पर उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा निकल गया ना। तो इस तरीके से आपको पहले तो वॉल्यूम निकालना है, जो कि हमारा आधा आंसर कंप्लीट। अब इसके बाद हमको क्या बोला था कि आपको ये भी पता करना है कि क्या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है क्या, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सिलेंडर ए का। जैसे आप लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है, मैं सी ए लिख देता हूँ शॉर्टकट में। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 पाई आर और फिर एच प्लस आर, ठीक है, ये हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में पाई की जगह में 22/7, आर के जगह में हम लोग का सिलेंडर ए का आर कितना था, 7/2 था, तो यहाँ पर हम लोग 7/2 कर देते हैं, और ब्रैकेट में एच प्लस आर है, यानी कि फिर वही हाइट हमारा कितना दिया हुआ था वहाँ पर, 14 दिया हुआ था ना, हाँ हाइट 14 था, और प्लस में आर हमारे पास कितना है, 7 है, तो ये 7/2 है सॉरी, तो इसको मैं 14 प्लस में 7/2 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा सेंटीमीटर में है, ये दोनों हमारे सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर जब प्लस होंगे तो सेंटीमीटर ही आएगा आंसर, सेंटीमीटर का स्क्वायर तो होगा नहीं प्लस होने के बाद, तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर का जब मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया होता है वो हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में इस वजह से निकलता है। चलो जल्दी से सॉल्व कर लो, ये तो हमारा कट हो रहा है, ये भी हमारा कट हो रहा है, बचा क्या, 22 बच गया, अंदर में सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई की साइन अगर ब्रैकेट ओपन ही कर लो डायरेक्ट, ये हो जाएगा हमारा 2 का टेबल 14 टाइम पड़ेंगे तो 28,
तो 28 प्लस में 7 डिवाइड बाई में 2, इस तरीके से शॉर्टकट तरीका है इसका। इसे मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 22 मल्टीप्लाई में 28 और 7 हमारा कितना होता है 35, तो ये हो जाएगा 35 बाई 2। इसको कट कर लो, 2 का टेबल में 11 टाइम पे हमारा 22 आ जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास 11 मल्टीप्लाई में 35 बच गया, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर में आने वाला है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 को भी 10 टाइम टेबल पढ़ूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 350 आ जाएगा। उसके बाद एक बार और पढ़ूंगा तो यानी कि 35 और उसमें ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 5, ये हो गया 8 और ये हो गया 3, यानी कि हमारा कितना निकल गया आंसर यहाँ पर से 385 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा सरफेस एरिया निकल गया। ठीक है, सिलेंडर नंबर ए का। थोड़ा सा रुको, मैं ब्राइटनेस डिक्रीज कर देता हूँ, ज़्यादा आँख में पड़ रहा होगा आपको। हाँ, अब अच्छे से दिख रहा है ना। तो ये हो गया हमारा सरफेस नंबर ए का कितना, सॉरी सिलेंडर ए का सरफेस एरिया। अब सेम इसी तरीके से हम लोग सिलेंडर बी का निकाल लेंगे, तो यहाँ पर मैं सी बी लिख देता हूँ शॉर्टकट में, यानी कि सिलेंडर बी। फॉर्मूला वही रहेगा 2πr h + r, तो यहाँ पर हमारे पास 2 की वैल्यू कुछ नहीं है, r का वैल्यू, सॉरी पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। r हमारे पास कितना है सिलेंडर बी में, तो सिलेंडर बी का जो r है वो 7 है, और हाइट भी हमारे पास 7 है, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा आर की जगह पे 7, ब्रैकेट के अंदर हाइट भी 7 है और प्लस आर भी हमारे पास 7 है, और ये भी हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल जाएगा। देखो 7 से 7 कट हुआ, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर बीच में देखो कोई भी साइन नहीं रहता, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, 7 और 7 हो जाएगा हमारा कितना 14, यहाँ पर बस साइड में इन दोनों क्या करो मल्टीप्लाई कर दो सिंपल तरीके से। तो चलिए मैं यहीं पर साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हमारे पास 44 मल्टीप्लाई 14, 4 4 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4 4 16 और 1 17, 1 4 4 1 4 4 हो गया 6, 11 का 1 कैरी हो गया 1, और ये हो गया हमारा फिर से 6, यानी इसका जो हमारा आंसर निकल गया वो कितना निकल गया 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमारा जिसका वॉल्यूम ज़्यादा निकला था सिलेंडर बी का, उसी तरीके से इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा निकल रहा है। तो यही बस आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताना था, स्टार्टिंग में पहले प्रेडिक्ट करना था, गेस करना था कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और उसके बाद सॉल्व तो करना ही था। तो ये मैंने ये सब तो आपने सरफेस एरिया पहले ही पढ़ रखा है, ये सब तो आप निकालने जानते ही हो, मेन था वॉल्यूम निकालना, तो उसका फॉर्मूला यही है वॉल्यूम का, और वो सेंटीमीटर का क्यूब में क्यों निकलता है वो भी मैंने आपके यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये बस बेसिक बेसिक सी कुछ चीज़ें जो आपको सीखना थी इस वाले क्वेश्चन में, बाकी आपने ये तो पहले ही सीख रखा है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसे ही मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।